नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन की क्षण। हमें सफलता के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए और असफलता के लिए जी मां गुंजाइया रखनी चाहिए। प्रकृति के पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति को इस दुख छाओं का सामना करना पड़ता है और कदम सफलता से ही बड़ा मिले ऐसी आशा केवल बाल बुद्धि वाली को शोभा देती है। विवेकशीलों का नहीं, जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हम न छोटी मोटी सफलताओं के हर्षावंत और न असफलताओं को देखकर हिम्मत हारे। हर आदमी की अपनी मनोभूमि, रुचि, भावना और परिस्थितियों होती है। यह उसी आधार पर सोचना, चाहना और करता है। हमें इतनी उदारता रखनी ही चाहिए कि दूसरों की भावनाओं का आदर ना कर सके तो कम से कम उसे सहन कर ही ले। असहिष्णुता मनुष्य का एक नैतिक दुर्गुण है जिसमें अहंकार की गंध आती है और किसी को अपनी मर्जी का बनाना चलाना चाहिए तो यह एक मूर्खता बड़ी बात ही होगी। वैसे को पैसा और यह नीति अपना लेने पर तो बड़ा भी छोटा हो जाता है। गाली का जवाब गाली से और गुस्से का जवाब गुस्से से देने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो पशु भी आपस में लड़कर दंडवत युद्ध कर लेते हैं। क्षमा और सहनशीलता हर किसी का काम नहीं है, उसे बड़े आदमियों में ही देखा जा सकता है। वह नेकी कर हुए कुएं में डाल की नीति अपनाते हैं। यह मान्यता कि भाग्य की कर्म रेखा मस्तक की चौपड़ी में भीतर लिखी होती है, जो कुछ उसके लिखा हुआ है वही होकर रहता है। यह मान्यता इस अर्थ में तो सर्वथा सत्य मालूम पड़ती है कि चौपड़ी के भीतर रहने वाला मस्तिष्क में जिस तरह की भावनाओं, विचारधाराओं, मान्यताओं तथा अभिरुचि जम गई होगी, इसी दिशा में उसका जीवन जुड़ेगा और वैसी ही परिस्थितियां उसे उपलब्ध हो जाएगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव। आत्मचिंतन के क्षण। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे, मैं जितना उन्नत बन सकता था उससे 100 गुना उन्नत बने। तुम लोग में से प्रत्यक्ष को महान शक्तिशाली बनना होगा। मैं कहता हूँ अवश्य बनना होगा। आज्ञा पालन, दैव के प्रति अनुराग तथा दैव को कार्य रूप में परिगत करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना। इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। नीति प्रणयता तथा साहसिक बनो। अंतकरण पूर्णता शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति प्रणयता तथा साहसी बनो। प्राणा के लिए भी कभी न डरो। काय लोग ही पाप चरण करते, वे पुरुष कभी पाप अनुष्ठान नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। बच्चों, तुम्हारे के लिए नैतिक प्रायणता तथा साहस को छोड़कर और कोई दूसरो धर्म नहीं, जिसके सिवाय और कोई धार्मिक मत बंधांतरो तुम्हारे लिए नहीं है। कायरता, पाप और सदाचरण तथा दुर्बलता तुमने एकदम नहीं रहने चाहिए। बाकी आवश्यक वस्तु अपने आप जाकर उपस्थित होगी। पूर्णतः निस्वार्थ रहो, स्थिर रहो और काम करो। एक बात और है, सबके सेवक बनिए और दूसरों पर शासन करने का तनिक भी यत्न न करो, क्योंकि जिससे इच्छा उत्पन्न होगी और उससे हर चीज बर्बाद हो जाएगी। आगे बढ़ो,
तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने भीतर से ही सहायता लेने, अन्य सहायता के लिए हम प्रतीक्षा नहीं करते। मेरे बच्चों, आत्मविश्वास रखो, सच्चे और सहनशील बनो। किसी को उनकी योजनाओं में हतोत्साह नहीं करना चाहिए। आलोचना की प्रवृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर दो। जब तक वे सही मार्ग पर अग्रसर हो रहे, तब तक उन्हें कार्य में सहायता करे। और जब कभी तुमको उनके कार्य में कोई गलती नजर आए, तो नम्रता पूर्वक गलती के प्रति उनको सजाग कर दो। एक दूसरे को आलोचना ही सब दोषों की जड़ है। किसी भी संगठन करे विनष्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।